स्वागत है आपके अपने ही चैनल एएस स्टडी हब में। दोस्तों आज मैं जो आपका क्लास टेंथ है, क्लास टेंथ का जो चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसमें हम लोग सीरियल वाइज वीडियो पढ़ रहे आ रहे हैं। आज हम लोग वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत धारा वाई वृत्ताकार पांच के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसके पहले के वीडियो में ऑरेस्टेड का प्रयोग, फिर हम लोगों ने द्विध्रुवीय सूचक के बारे में, इसके बाद चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। इसके बाद सीधे चालक में किस प्रकार से धारा प्रवाहित करते हैं और चुंबक क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है उसका अध्ययन किया है। आज अध्ययन करेंगे विद्युत धारावाही, विद्युत जिसमें करंट हो, विद्युत धारा जिसमें करंट चले तो धारा उत्पन्न करेगा, वाही जिसमें बहे, जिसमें धारा बहता है उसको धारावाही कहते हैं, अर्थात का वृत्ताकार, गोलाकार, वृत्ताकार नहीं गोल टाइप का होगा, जैसे साइकिल का रिम, गाड़ी का रिम। पाश, अरे पाश क्या होता है, पाश क्या है, पाश कहां से आ गया, बिल्कुल अभी आपको पाश को एकदम से हलवा बनाने वाले हैं। पाश को के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तो इसके पहले ऑरेस्टेड जी ने पूरा का पूरा तोड़ फोड़ के व्याख्या कर दिया, ऑरेस्टेड जी ने पूरा बता दिया कि करंट में भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसका वीडियो हम लोगों ने सबसे पहले अध्ययन किया है। प्लीज उस वीडियो को जाकर देखिए तो आपको पूरा ये जो वीडियो है एकदम से हलवा हो जाएगा और खाने में बहुत मस्त लगेगा। अगर आप लोग सीरियल में सीरियल देखते आ रहे हो तो एकदम वीडियो को हलवा की तरह आपको बहुत ही मस्त लगेगा खाने में। तो वीडियो खाना मतलब पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा। विद्युत धारावाही, विद्युत जिसमें इलेक्ट्रॉन चले, धारावाही जिसमें धारा प्रवाहित हो, वृत्ताकार यानी रिम की तरह बनाएंगे, पाश किस प्रकार से अभी समझेंगे, पाश और के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो हम लोग जानते हैं यदि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा हम लोग दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं, इसके पहले के वीडियो में बता चुके थे। अब वृत्ताकार पाश, सबसे पहले हम लोग किसी धारावाही वृत्ताकार पाश, धारावाही वृत्ताकार यानी एक धारावाही लेते हैं यानी एक तार लेते हैं। इस प्रकार से हमने लिया एक तार, इस प्रकार से लिया एक तार। अगर तार का कोई एक सिरा खुला हो, इस प्रकार से थोड़ा सा खुला हो, तो उसको हम लोग कहेंगे पाश। पाश का मतलब गुजरना, ठीक है, यहां पर ऐसे समझ लीजिए। तो ये इस प्रकार से तार अगर वृत्ताकार कर देते हैं और थोड़ा सा खोल देते हैं तो उसको कहेंगे पाश। इस प्रकार से हिस्से को हम लोग कहेंगे पाश, ठीक, क्लियर हो गया, हुआ हलुआ, नहीं हुआ तो बन रहा होगा। देखिए किस प्रकार से वृत्ताकार तार को अगर मोड़ देंगे, थोड़ा सा खोल देंगे तो बन गया वृत्ताकार पाश। क्यों खोला तार को, खोलना जरूरी था क्या, बिल्कुल जरूरी था, खोलेंगे नहीं तो करंट कैसे फ्लो करेंगे, करंट फ्लो करने के लिए क्या करना होगा सर। अरे भाई इसमें करंट फ्लो करने के लिए बैटरी से जोड़ दीजिए करंट फ्लो होगा। इसको हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ना पसंद किया और इस प्रकार से इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया। ये हो गया बैटरी का धन टर्मिनल, ये ऋण टर्मिनल, ये धन टर्मिनल, ये ऋण टर्मिनल, ये धन टर्मिनल, ये ऋण टर्मिनल। क्या सर इसमें बैटरी को, ये बैटरी कहेंगे सेल कहेंगे, सेल कह लीजिए सर। इसको बैटरी से जोड़ेंगे कि सेल से जोड़ेंगे, चाहे किसी से भी जोड़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक सर। इसका बैटरी का धन टर्मिनल ऋण टर्मिनल कौन सा है, जो बड़ा है धन टर्मिनल, जो छोटा है ऋण टर्मिनल, क्लियर सर। टर्मिनल क्या है, ऋणावेश धनावेश, क्लियर। इसमें हम लोग कुंजी लगाएंगे, कुंजी क्या है, टिपटॉप, चिटकनी, स्विच ऑन ऑफ, क्लियर। बहुत सारा नाम हो गया, पर बच्ची बता दिया, हमने हिंदी पढ़ा दिया साइंस में। इसको लगा देते हैं कुंजी, देशी कुंजी लगाए कि मॉडल कुंजी लगाए, चलो मॉडल लगाते हैं। इस प्रकार की कुंजी को हमने किया नेगलेक्ट, क्योंकि ये हो गया सिंपल। अब की बार थोड़ा सा बढ़िया कुंजी लगाते हैं, इस प्रकार से महंगा कुंजी लगाते हैं और लगा दिया है कुंजी। कुंजी को सर यहां पर लगाना
जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। कुंजी को बैटरी के समांतर सॉरी श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। इस प्रकार से एक परिपथ का निर्माण किया, इस प्रकार से एक परिपथ का निर्माण किया, इस प्रकार से एक परिपथ का निर्माण किया। सर परिपथ क्या है? तो परिपथ क्या है? परिपथ है आपका लेसन विद्युत वाला, जो आप लोगों ने पढ़ के रखा है उसमें जाकर देखिए परिपथ क्या है। नहीं पता है तो देखिए, ये एक बढ़िया परिपथ है जिसके चारों ओर से विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र हो, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, इलेक्ट्रॉन चले, आवेश प्रवाहित हो, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब उसमें हो, बैटरी वगैरह जुड़ा हो, तो लोग कहेंगे एक परिपथ। ये हो गया कुंजी, तो लिख देते नाम, तो ये हो गया बैटरी, हो गया बैटरी को लिखा हमने बी से, कुंजी को लिखा के से। जैसे ही इसमें हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, कुंजी को करते हैं बंद, इस प्रकार से कुंजी को किया बंद। जैसे ही कुंजी को बंद करते ही इसमें धारा प्रवाहित होती है। सर कुंजी को बंद करने पर धारा क्यों प्रवाहित होगा? कुंजी को खोलो, नहीं खोलेंगे नहीं, ये है प्लग बोर्ड और ये है आपको जो प्लग मोबाइल चार्जिंग करोगे, जब तक लगाओगे नहीं, जैसे लगाओगे तो बंद हो जाएगा। कुंजी को किया बंद, कुंजी को किया बंद और जैसे ही खोला तो खुल गया, चार्जिंग नहीं होगा। इसीलिए समझ सकते हैं कुंजी को जब तक बंद नहीं करेंगे तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे ही कुंजी को बंद किया इसमें से धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो गया। इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रहा है, इस प्रकार से इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, इस प्रकार से इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, इस प्रकार से इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है और इस प्रकार से हमने देखा ये धारा प्रवाहित होना, इस प्रकार से परिपथ में धारा प्रवाहित हो रहा है। परिपथ में धारा प्रवाहित कैसे हो रहा है? जैसे बैटरी से जोड़ दिया, परिपथ में धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो गया। इस परिपथ में हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है, धारावाही धारा बहने पर वृत्ताकार पार्श्व तार वृत्ताकार होने पर, यह तार है, ये क्या है, तार वृत्ताकार होने पर चुंबकीय क्षेत्र, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कैसे? ये धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हटाओ तार को, हटाओ इस तार को, लिखो तार यहाँ पर, लिखा तार यहाँ पर, लिख दिया तार यहाँ पर। इसमें इस प्रकार से अगर चुंबकीय क्षेत्र दर्शाना चाहेंगे, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र दर्शाना चाहेंगे और इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र दर्शाना चाहेंगे तो किस प्रकार से दर्शाएंगे? तो सर इसके पहले हम लोगों ने वीडियो में देखा किस प्रकार दर्शाते हैं। फिर से एक बार, दाएं हाथ का नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, यह है तार। इस तार में ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, अंगुलियों को इस प्रकार से ले जाते हैं कि अंगूठा अंगूठा धारा की दिशा बताएगा, क्लियर। उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, क्लियर। पढ़ चुके थे, इसको पकड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं, बदमाश पकड़ पकड़ इसको, इस प्रकार से ले जाएंगे और अंगूठा इस प्रकार से ना, तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करेंगे, इस प्रकार के लेकर इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करेंगे। मतलब चुंबकीय क्षेत्र, फिर से समझिए, इस प्रकार से गया, इस प्रकार से, इस प्रकार से घुमा, इस प्रकार से घुमा, यानी इस प्रकार से गया, इस प्रकार से ये दर्शा रहा है चुंबकीय क्षेत्र को, ये दर्शा रहा है इसके चुंबकीय क्षेत्र को। इस बदमाश को देखिए जरा, काफी बदमाशी कर रहा है समय से, इसको इस प्रकार से लेकर इस प्रकार से घूमेंगे, इधर है तो इस प्रकार से लेकर घूमेंगे, इस प्रकार से लेकर घूमेंगे, मतलब इधर से इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करेंगे हम लोग, इस प्रकार से इसका होगा चुंबकीय क्षेत्र। आइए ये और एक बदमाश है हमारे पास, इसको देखते हैं, इसको इस प्रकार से लेके आएंगे, इसको इस प्रकार से लेके आएंगे क्योंकि इस प्रकार से अंगूठा है ना, इस प्रकार से अंगूठा है, इसको इस प्रकार से घूमेंगे, मतलब इस प्रकार से होगा चुंबकीय क्षेत्र, इस प्रकार से होगा चुंबकीय क्षेत्र इसका, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को समझना। इसको ले जाएंगे तो इसको इस इधर अंगूठा है तो इसको इस प्रकार से लेंगे, इस प्रकार से लेंगे, यानी इस प्रकार से ले रहे, मतलब इस प्रकार से ले रहे, यानी यहां से ये इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र को ये
दर्शा रहा है। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग समझ सकते हैं। क्लियर हो गया? चुंबकीय क्षेत्र कैसे व्यक्त करते हैं? अगर धारा की दिशा ऊपर है तो दक्षिणावर्त, अगर धारा की दिशा नीचे है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वामावर्त, धारा की दिशा ऊपर है चुंबकीय क्षेत्र रेखा है दक्षिणावर्त, धारा की दिशा नीचे है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वामावर्त। जरूरी है, एक नंबर में पूछा आता है। अब इसको अगर सिंपल फिगर में समझना चाहे तो कैसे समझेंगे, फिर से एक बार समझिए। ये तो हमने आपको जानकारी के लिए बता दिया। इसको जैसे मान लीजिए कि एक हमने इस प्रकार से वृत्ताकार तार लिया और ये कर दिया, वृत्ताकार तार लिया, वृत्ताकार तार ये ले लिया पास, ये ले लिया पास, इसको भी हमने एक सेल या बैटरी से जो आपका पसंद हो, जो आपका फेवरेट हो उससे जोड़ दीजिए परिपथ में। अबकी बार कुंजी को सर ऐसे लगाइए, ऐसे क्यों लगाया, वैसे नहीं लगा सकते हैं क्या, क्या इस प्रकार से नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से कुंजी, उस प्रकार से कुंजी सीखिए ना आप लोग। ये धन टर्मिनल, ये ऋण टर्मिनल, कुंजी को लिखा के से, इसको लिखा हमने बैटरी, बैटरी इसको लिखा कुंजी, ये पूरा है परिपथ। जैसे ही कुंजी को किया, अच्छा इसका कॉर्नर कैसा होगा, ये है खुला कुंजी और जैसे ही पॉइंट लगाएंगे ये हो गया बंद कुंजी। क्लियर? इसके बाद जैसे ही कुंजी को बंद करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा में दर्शाएगा दक्षिणावर्त, नीचे की ओर दर्शाएगा वामावर्त। क्लियर? अब अगर इसके पास एक द्विक सूचक लाते हैं तो तार के पास जितना पास इसके द्विक सूचक लाते जाएंगे तो इसका आकार गोलाकार बनता जाएगा। द्विक सूचक को थोड़ा सा दूर ले जाएंगे तो गोले का आकार बढ़ जाएगा। अगर पास ले आते हैं बहुत पास तो गोला का आकार इस प्रकार से होगा। अगर हम लोग इसको दूर ले जाते हैं, जैसे द्विक सूचक को दूर लेते जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस प्रकार से होती जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस प्रकार से होती जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस प्रकार से होती जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस प्रकार से होती जाएगी। बीच में जाकर क्षेत्र रेखाओं के समांतर हो जाएगा। समांतर क्यों हो जाएगा? जैसे जैसे चुंबकीय द्विक सूचक को दूर लेते जाएंगे तो उसमें विक्षेप कम होने लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कम हो जाएगा, यानी संकेंद्री वृत्त का आकार बढ़ जाएगा। इसके पहले की वीडियो में देखा था सीधे धारावाही चल रहा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यही कंडीशन अगर यहाँ द्विक सूचक लाते हैं तो जितना पास लाएंगे उसका आकार गोलाकार हो जाएगा, थोड़ा दूर ले जाएंगे तो गोले का आकार बढ़ेगा, थोड़ा दूर ले जाएंगे गोले का आकार बढ़ेगा, और दूर ले जाएंगे तो इस प्रकार से गोले का आकार और बढ़ जाएगा, और दूर ले जाएंगे गोले का आकार और बढ़ जाएगा, और दूर ले जाएंगे गोले का आकार और भी बढ़ जाएगा। और बीच में ये जो सीधी रेखा है ये दर्शा रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो क्षेत्र के समांतर है बीच में होकर। यानी तार को अगर गोलाकार वृत्ताकार बनाते हैं तो उसके बीच चुंबकीय क्षेत्र रेखा सीधी क्यों है? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है और यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ पर वक्राकार, यहाँ पर वक्राकार और यहाँ पर समांतर क्यों है? क्योंकि ये समांतर दर्शा रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो वृत्ताकार पाश में यानी बंद पाश में इस पर एक समान होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन और ध्यान रखना कि वृत्ताकार पाश, पाश को अंग्रेजी में लूप कहते हैं, तो एग्जामिनर आपको परेशान करने के लिए क्या करता है कि वृत्ताकार पाश को हटाकर वृत्ताकार लूप लिख देता है, मत कंफ्यूजन रहना। ठीक है दोस्तों? और दोस्तों यहाँ पर फिर से आपका वही क्वेश्चन आ रहा है कि ये रेखा क्या दर्शा रहा है, तो ये रेखा दर्शा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक समान होती है बीच में आकर। अब दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो इसका हम लोग पॉइंट पॉइंट लिख देते हैं। लिखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट मेरा ये रहेगा कि दोस्तों अगर आपको वाकई भी अच्छा लग रहा है वीडियो और आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपके जीवन में या आपके भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ सीख मिल रहा है आपको या कुछ सीखने को मिला है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और
कमेंट में ये लिख देना कि सर मुझे वीडियो अच्छा लगा है, और जो लाइक का बटन है लाइक का बटन में लाइक कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, इससे कि मुझे पता लग जाएगा कि आप लोग मेरे चैनल में एक्टिव हो, तो मैं क्या करूंगा मेरा जो वीडियो है मैं आप तक पहुंचा दूंगा, कि ये काम मेरा है वीडियो पहुंचाने का। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको लिख देते थे, किस प्रकार से लिखते हैं इसको। तो दोस्तों हमने आपका क्या आंसर लिख रखा है, आंसर हमने लिख दिया है कि एक मोटे तार को कुंडली के रूप में, कुंडली मतलब लूप के रूप में, लूप मतलब पाश के रूप में, जो कि आपको दिखाई दे रहा है दो तार रूप में, मोड़ कर इनके सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं, मोड़ कर सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं। अब कुंजी को बंद करके, अब कुंजी को बंद करके इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, कंपास सुई की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं, इसको बैटरी लगाकर कुंजी बंद करके धारा प्रवाहित करते हैं और कंपास की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। नंबर एक, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक समान समांतर तथा कुंडली के तल के लंबवत कुंडली के किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। दूसरा है, पहला क्या है फिर से, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक समान होती है, केंद्र पर एक समान होती है तो समांतर तथा कुंडली के तल के लंबवत होती है। ये जो कुंडली है कुंडली तल के लंबवत है और क्षेत्र का समांतर है, समांतर क्या दर्शा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। दूसरा, कुंडली के किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार होती है, कुंडली के किनारों पर, कुंडली के किनारों पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो वृत्ताकार होती है। कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ती है। अगर इसमें एक तार लिया है, अगर और तार लेंगे, कई तार और गोल गोल करके अगर घुमाते हैं और उसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखा ज्ञात करते हैं तो बहुत अधिक प्राप्त होगा हमें। मतलब ये तो एक तार है, कहने का अर्थ है कि इसमें मान लो कि बहुत सारे तार इस प्रकार से लेना है, इस प्रकार से लेकर उन तारों को अगर हम लोग इस प्रकार से बैटरी से जोड़ देते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं, यहां पर बना के बताते हैं आपको थोड़ा सा। इस प्रकार से एक तार लिया, इस प्रकार से और एक तार लिया, इस प्रकार से और, अगर तारों यानी फेरों की संख्या बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है उसकी संख्या बढ़ जाती है, इसकी संख्या और बढ़ जाती है। कुंडली में धारा की दिशा बदलने पर, अगर धारा की दिशा बदलेंगे तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी बदलती है, परंतु उनका आकार वही रहता है। अगर धारा मान लो कि इधर से इधर की ओर है, अगर हम धारा इधर से प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर होगी, ठीक है। अगर धारा की दिशा हम लोग इधर से प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी बदलेगी, ठीक है। ये कहने का अर्थ है कि धारा की दिशा बदलेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी बदलेगी, और लेकिन उसका आकार वही रहेगा। आकार अगर इधर से धारा प्रवाहित करते तो भी इतने ही आकार का, और इधर से धारा प्रवाहित करते तो भी इतने ही आकार का। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुंडली के एक तल से अंदर की ओर जाती है, और यह दक्षिण ध्रुव जिस तल से अंदर की ओर जाएगी, मान लो इस तल से अंदर की ओर जा रही है, इस प्रकार से अंदर की ओर, मान लो इस प्रकार से दिखाते हैं, इस तल से इस प्रकार से अंदर की ओर, इस प्रकार से अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर, अगर अंदर की ओर जाएगी तो दक्षिण ध्रुव, दूसरे तल से बाहर की ओर निकलती है उत्तरी ध्रुव, क्योंकि हमेशा जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव बाहर से वक्राकार होती है और दक्षिण ध्रुव अंदर से वक्राकार होती है। यानी अंदर से क्या होगा, अंदर वाला दिशा होता है किधर से, आपको समझाया था, हमने बना के बताया था, इस प्रकार से हमारा चुंबक होता है, ये यन सिरा और ये यश सिरा, अगर यन से निकल रहा है तो बाहर से जाएगा और यश से फिर अंदर से आता है, ये तो आप लोग जानते ही हो। अब दोस्तों आपके पास एक ही काम रह गया, क्या काम रह गया, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट बनाना है, फिर फटाक से आप लोग अपना स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, तो आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।